हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृषि क्रिएशन में आपका स्वागत है। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम गोपाल जी के लिए वेलवेट की ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसमें हम ये वाला लाइनिंग अटैच करेंगे। वैसे हम ये लाइनिंग अटैच करेंगे, इसमें इसकी मेजरमेंट देखते हैं। इसकी मैंने ये चौड़ाई ली है वह 7 इंच, लंबाई ली है हमें 65 इंच लंबाई ली है इसकी। तो अब हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बनाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग में भी ज्वाइन कर लिया है और मेन फैब्रिक में भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और लाइनिंग को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, और हम फिर ऐसे। तो चलिए हम स्टिच कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसे तीनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करते हैं इस तरह से। कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम थोड़ा कट कर देंगे, फिनिशिंग अच्छी से आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। अब हम इस पर एक लेस अटैच करेंगे। तो हम इसे इस तरह से रख के इस पर ये वाले एक लेस अटैच करते हैं। थोड़ा सा हम किनारे पे फैब्रिक छोड़ेंगे, पाइपिंग के देखिएगा। फिर इस तरह से रख के हम इसे तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें लेस स्टिच कर दिए, दोनों साइड से हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसमें इस तरह से ऊपर के साइड में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसमें प्लेट डालते हैं। प्लेट डाल के हम इसको घेरा रेडी करेंगे। कमर पे जो रखेंगे, कमर की लंबाई वो हम रखेंगे 9.5 से 10 इंच के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट डल के रेडी हो गई है। और ये लगभग 10 इंच है, सिलाई करने में इसे सेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें नेफा लगा लेते हैं। तो नेफे के लिए मैंने वेलवेट वाला फैब्रिक लिया है। तो हम इसे इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और स्टिच कर लेते हैं। ये नेफे का जो फैब्रिक लिया है मैंने, स्ट्रिप की चौड़ाई है 1.5 इंच। हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, ये वाली डोरी इसमें डालेंगे। इस तरह से हम इसे इस तरह से स्टिच करना है हमें। इसमें हमें डोरी सी लेना है इसमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। हम यहाँ पे एक इस तरह से हम ये लेस इस पर अटैच करते हैं। बहुत ही प्यारी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसके लिए ब्लाउज़ बना लेते हैं। तो चलिए हम ब्लाउज़ बनाते हैं। इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 9.5 इंच। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से रखना है। जॉइंट वाली साइड हमारी ये आ रही है, हमें इसे तो स्लीव्स लेनी है। अब हम इसे यहाँ पर एक मार्क करते हैं 3.5 इंच पे। आर्म होल जो लेना है वो हमें लगभग 3.25 इंच, और सिर्फ इसकी अपनी है ऐसे गोलाई दे देनी है। हम इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से खोल के। हमें हम इसमें नेक कटिंग करते हैं। बैक साइड से खुला रखेंगे तो हम यहाँ पे 1/1 का एक नेक कट करेंगे। इस तरह से हम बी शेप में नेक कट करेंगे और हम इस तरह से गोलाई देते हुए बी शेप में इस तरह से इसे
ये हमारा सेंटर हो गया। हम इधर से इससे हाफ इंच में नेक फ्रंट साइड में कट कर देते हैं इस तरह से आएगा हमारा ये नेक। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे स्टिच कर लेते हैं इस तरह से रख के। हम इसे यहाँ से पिन से सेट कर लेते हैं, देखने सिलने में आसानी रहेगी और हमारा ये नीचे भी खिसकेगा नहीं। इधर उधर रिफ्रेंस में इसे स्टिच कर लेते हैं। तो एक फ्रेंड्स हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी पिन निकाल के इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे सीधा करके एक इससे सिलाई लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको सब तरफ से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। और हम इस पर एक लेस अटैच करेंगे। इस तरह से हम स्लीव से भी लेस लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स पे भी दोनों स्लीव्स पे लेस लगा ली है और एक फ्रंट साइड में इस पर लेस अटैच कर ली है। अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। पीछे से मैंने इसमें वेलक्रो लगाया है, ये फुल स्लीव है। देखिए फ्रेंड्स ड्रेस बन के रेडी हो गई, बहुत सुंदर लग रही है। आप भी अपने गोपाल जी के लिए बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।